पेज नंबर 6 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसके बाद हमको नीचे के क्वेश्चन करना है। इसमें क्या है, एक पैरा है। सबसे पहले वो मैं पैरा रीड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। सो क्वेश्चन यहाँ पे है, दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। सो क्वेश्चन ये है, ये जो लॉग, इसमें पहले इसके बारे में बताया गया है कि जो लॉग बोट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी नहीं चलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये लकड़ी की होती हैं, इसे अपने हाथों से करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि अगर हवा बहुत तेज चले तो क्या होता है कि वो 1 घंटे में कितना चल लेती हैं, 1 किलोमीटर समथिंग चल लेती हैं। अब उसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब इसने बोला है कि जब वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चली जाती है, मतलब चल लेती है बोट, तो बताओ कि 10 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो इधर पे हमने लिखा है कि इन 1 आवर बोट ट्रैवल, 1 घंटे में बोट कितना चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। सो इन 2 आवर बोट ट्रैवल, जब 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में यानी 2 आवर में कितना चलेगी, 4 का डबल मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पूछा है 10 किलोमीटर, सो यहाँ पे 8 हो गया। अब 8 के बाद कितने की कमी है, 10 बनाने के लिए 2 किलोमीटर की कमी है। सो यहाँ पे, सो इन हाफ आवर बोट ट्रैवल 2 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि बेटा 2 घंटे में 8 किलोमीटर क्रॉस करती है और 1 घंटे में 4 किलोमीटर, लेकिन अभी हमें 2 किलोमीटर की कमी है, तो हम इसमें 1 आवर का आधा करेंगे, मतलब 1 आवर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 8 + 2 = 10 हो जाएगा, और 2 और हाफ आवर कितना हो जाएगा, 2.5। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल 10 किलोमीटर इज 2.5 आवर, मतलब जो लॉन्ग बोट है उसे अगर 10 किलोमीटर कवर करने हैं तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 2.5 आवर, ठीक है। अब सेकेंड इसमें क्वेश्चन है, गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि अगर आप जल्दी चलोगे तो 1 घंटे में आप कितना कवर कर लोगे डिस्टेंस। तो मेरे अकॉर्डिंग, और आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कि अगर मैं तेज चलती हूँ तो मैं 2 किलोमीटर क्रॉस कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी आंसर, आई कैन वॉक 2 किलोमीटर इफ़ आई वॉक फास्ट। अगर मैं जल्दी चलती हूँ तो मैं कितना क्रॉस कर सकती हूँ, मैं कितना चल सकती हूँ, 2 किलोमीटर, या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 7 में भी यहाँ पे थोड़ा कुछ बताया गया है, फिशरमैन कैन फील द विंड, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, जो मछलियों का काम करते हैं, वो जो है हवा को महसूस कर सकते हैं, एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो, और सन को देखो कि वो सन किस तरफ जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है, ठीक है। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड अवर वे ऑन द सी। जब हम समुद्र की जगह पे होते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है। Where you only see water, water and nothing else. जहाँ पे आप सिर्फ क्या देखते हो, पानी देखते हो, सिर्फ और सिर्फ पानी देखते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देख सकते। उसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। सन को देखो और उसके डायरेक्शन बताओ कि वो कहाँ से उगता है, ठीक है। सो यहाँ पे पेज नंबर 7 है, फाइंड आउट, ये मैंने लिखा है, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। सो फर्स्ट वन क्या था, फ्रॉम वेयर यू आर, जहाँ पे आप हो, वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। तो आंसर है बेटा, आई कैन सी सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड विंड इज ब्लोइंग। तो मैं देख सकता हूँ कि जो सन है वो उग रहा है, किस तरफ से निकल रहा है, सॉरी उग नहीं रहा है, किस तरफ से सन निकल रहा है, ईस्ट की तरफ से, और जो विंड है वो ब्लोइंग या उड़ रही है या फिर बह रही है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वन है, नेम टू थिंग्स डेट आर लाइंग टू योर वेस्ट, दो चीज़ों के नाम बताओ जो कि आपके वेस्ट में हैं, ठीक है। हट एंड ट्री आर द टू थिंग्स लाइंग टू माई वेस्ट, मेरे वेस्ट में दो चीज़ें, एक है हट और दूसरा है ट्री, हट यानी झोपड़ी और ट्री यानी पेड़। अब थर्ड है, थर्ड के लिए सबसे पहले कुछ बताया गया है, देखो यहाँ बुक में देखते हैं हम, व्हाट अ कैच, आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच टू फिश। जो समुद्री जगह होती है वहाँ पे जो फिशरमैन होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे वो मछलियों को पकड़ सकें।
देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, जहाँ पे वो अपनी जो नेट होती है उसको वो डालते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स, और उन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, किस लिए कि जो वो नेट समुद्र में डालते हैं उसमें मछलियाँ फंस जाएँ। फिर इसमें दिया गया है लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स, यहाँ पे आपको देखना है अपने बुक में कि अलग अलग टाइप की बोट हैं, तो यहाँ अपने बुक में देखना बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे लॉग बोट है, फिर ओर बोट है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ नीचे लिखा है सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इन टू द सी, जो कुछ बोट होती हैं वो मोटर वाली होती हैं और वो सी में यानी समुद्र में जा सकती हैं, जाती हैं, सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, और वो बहुत दूर तक चली जाती हैं ताकि वो मछलियाँ पकड़ सकें। दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, ये जो मोटर बोट होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं और वो कम से कम 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन भी है हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3 एंड हाफ आवर, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो मोटर बोट है वो एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करती है, सो 3 एंड हाफ आवर यानी 3.5 घंटे में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी या कितनी दूर वो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि जो बोट है डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना कवर करती है, 20 किलोमीटर। ये हमारा स्टेटमेंट है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, बोट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 घंटे में, 20 किलोमीटर। तो अब हमको 3.5 घंटे का निकालना है, तो 3.5 घंटे के लिए सबसे पहले हम 3 घंटे का निकालेंगे और फिर बाद में आधे घंटे का। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 3 आवर, तो 1 आवर के लिए 20 किलोमीटर वो ट्रैवल होता है या कवर करती है, तो 3 आवर के लिए हम 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 × 3 कितना होगा, 60 होगा, मतलब 3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 60 किलोमीटर करती है। ठीक है, अब हमको निकालना है हाफ आवर का, यानी कि 30 मिनट कह सकते हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन हाफ आवर, तो हाफ के लिए हमको डिवाइड करना रहेगा किससे, 20 से, क्योंकि 1 घंटे के लिए वो 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करती है, तो आधे घंटे में कितना करेगी, तो हम 20 से डिवाइड करेंगे, सो 20 / 2 तो क्या आएगा, 10 किलोमीटर आएगा। तो 3 आवर का 60 आया और हाफ आवर का 10 आया, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि 3 एंड हाफ, और 3 को और हाफ को ऐड करेंगे तो 3.5 घंटे हो जाएगा, उस हिसाब से उनका हम आंसर भी ऐड कर देंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 3 हाफ आवर, तो 3 का 60 + 1/2 का 10, तो 60 + 10 क्या हो जाएगा, 70, तो 70 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेज 7 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर बोट को अगर 85 किलोमीटर कवर करना है तो उसके लिए वो कितना टाइम लेगी, कितने घंटे लेगी। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय बोट, जो बोट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 85 किया है, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा। ठीक है, सो 85 को हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कैसे करते हैं, हम नंबर्स को तोड़ लेते हैं। सो हमने 85 को मैंने कैसे एक्सपेंड किया है, 20 किलोमीटर, 20 20 20 20 + 5, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, एक 20 को मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो 20 20 40 50 60 70 80 + 5 85। ठीक है, हमने इसे एक्सपेंड कर लिया, फिर टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 20 किलोमीटर, जो बोट को 20 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है, हमने पहले ही पढ़ा था। सो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे 20 को। ठीक है, सो 5/20 क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो क्या आया, 1/4 किलोमीटर। अब इसको जो टाइम है वो 60 मिनट रहता है आवर में, तो हम 60 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, सो 4 × 1 = 4, बचा 2, 2 कैरी हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो यहाँ क्या आ गया, 15 मिनट्स। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10 टाइम टेकन टू ट्रेवल, अब हमने इसको एक्सपेंड किया था, 4 बार 20 लिखा था, तो 20 किलोमीटर का यहाँ पे 1 आवर में होता है, फिर 1 आवर, फिर 1 आवर, फिर आवर 1 आवर, और यहाँ पे 15 मिनट्स आ गया था किसका, 5 किलोमीटर का, तो 1 2 3 4, तो 4 आवर 15 मिनट्स, मतलब कि 85 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 घंटे और 15 मिनट। अब मैं पेज टर्न कर रही हूँ, सो चिल्ड्रन अब हम करेंगे पेज नंबर 9 का। सो यहाँ पे एक टॉपिक है,
विच बोट गेट्स हाउ मच? सो इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश. मतलब कि जो लॉग बोट होती है वो वन ट्रिप में मतलब जाती है और वापस आ जाती है, तो उसमें कितने किलोग्राम वो लाती है मछलियाँ? 20 kg, ठीक है, एक ट्रिप में. बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बैग बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल. पर जो दूसरी बोट्स होती हैं वो जो मछलियाँ लाती हैं बड़ी लाती हैं, और उस हिसाब से वो टेबल में नीचे एक टेबल दिया गया है, ये देखो ये टेबल है उसमें दिया गया है. द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट. जो टेबल है उसमें ये भी बताया है कि जो बोट है उसकी स्पीड क्या है. जैसे कि अभी कुछ बताया था कि किसी क्वेश्चन में बताया था कि 1 hour में 4 kilometers कवर करती है, इतनी स्पीड है, और कहीं 20 kilometers कवर करती है, इसमें भी दिया गया है. विच इज़ हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 hour, जिसमें बताया गया है कि 1 hour में जो हर तरह की जो बोट है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है. लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट. टेबल को देखो और कैलकुलेट करो. तो सबसे पहले यहाँ पे 3 questions दिए हैं, हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले हम टेबल समझ लेते हैं, ठीक है. ये दिया है टाइप्स ऑफ बोट, मतलब अलग अलग टाइप की बोट कौन कौन सी हैं. लॉग बोट, फिर लॉन्ग टेल बोट, फिर मोटर बोट और मशीन बोट, ठीक है. अब यहाँ पे दिया है कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप इन केजी. अब यहाँ पे दिया है कि मछलियाँ वो वन ट्रिप में कितने किलोग्राम में वो लाते हैं. सो लॉग बोट जो है वो एक ट्रिप में 20 kg लाती है, फिर लॉन्ग टेल बोट है 600 kg लाती है वन ट्रिप में, मोटर बोट 800 kg और मशीन बोट 6000 kg वन ट्रिप में. अब यहाँ पे इसकी स्पीड दे गई है 4 kilometers per hour, मतलब जो लॉग बोट होती है वो 1 hour में 4 kilometers डिस्टेंस कवर करती है, लॉन्ग टेल बोट 1 hour में 12 kilometers और मोटर बोट 1 hour में 20 kilometers और मशीन बोट 22 kilometers कवर करती है 1 hour में. अब यहाँ पे क्वेश्चन है अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 trips. इसमें पूछा है कि हर तरह की जो बोट हैं वो कितनी मछलियाँ लाएंगे या कितने वजन में मछलियाँ लाएंगी 7 trips में. वन ट्रिप में जैसे लॉग बोट की अगर बात की जाए तो वन ट्रिप में वो कितना 20 kg लाती हैं मछलियाँ, तो वो 7 trips में कितना लाएंगी. तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे क्वांटिटी पूछी है कि कितनी मछलियाँ आएंगी. सो क्वांटिटी ऑफ फिश लॉग बोट ब्रिंग्स इन वन ट्रिप. जो लॉग बोट है वो एक ट्रिप में कितनी मछलियाँ लाते हैं, 20 kg मछलियाँ जाते हैं. तो अब 7 trips में पूछा है. सो क्वांटिटी ऑफ फिश अ लॉग बोट ब्रिंग इन 7 trips. स्टेटमेंट बस वही रहेगा, यहाँ पे 1 trip था तो यहाँ 7 trips हो जाएगा. सो अब 1 trip में 20 kg लाते हैं तो 7 trips में कितना लाएंगे, तो हम 7 का इंटू करेंगे. सो 20 × 7 इज 140 kg. मतलब 7 trips में लॉग बोट कितनी मछलियाँ लाती हैं, 140 kg, ठीक है. अब सेकेंड पूछा है, सेकेंड है हमारी लॉन्ग टेल बोट. सो क्वांटिटी ऑफ फिश अ लॉन्ग टेल बोट ब्रिंग्स इन 1 trip. जो लॉन्ग टेल बोट है वो एक ट्रिप में कितने केजी मछलियाँ लाते हैं, 600 kg. तो 7 trips में कितना लाएंगे. सो क्वांटिटी ऑफ फिश अ लॉन्ग टेल बोट ब्रिंग्स इन 7 trip. तो यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 trip में 600 रहता है, 7 trip में निकालना है, तो 7 का इंटू करेंगे. सो 7 × 0 = 0, 7 × 0 = 0 और 7 × 6 = 42. सो 4200 kg वो 7 trip में मछलियाँ लाते हैं. द थर्ड वन है, जो थर्ड बोट है वो मोटर बोट है. सो क्वांटिटी ऑफ फिश आ मोटर बोट ब्रिंग इन 1 trip. 1 trip में मोटर बोट कितनी फिशेज लाते हैं, 800 kg. तो 7 trip में कितना लाएंगे. सो क्वांटिटी ऑफ फिश आ मोटर बोट ब्रिंग्स इन 7 trips कितना होगा, 800 × 7, 7 × 0 = 0, 7 × 0 = 0, 7 × 8 = 56. तो कितना हो जाएगा, 5600 kg. मतलब 7 trip में मोटर बोट कितना लाती है मछलियाँ, 7600 kg लाती है. फिर लास्ट है हमारी, हाँ, तो जो मोटर बोट है वो 7 trip में कितना केजी लाती है फिशेज, 5600 kg. अब लास्ट वन है हमारी मशीन बोट. सो क्वांटिटी ऑफ फिश अ मशीन बोट ब्रिंग्स इन 1 trip. 1 trip में जो मशीन है वो कितनी फिशेज लाते हैं, 6000 kg. सो 7 trip में कितना लाएंगे. सो क्वांटिटी ऑफ फिश अ मशीन बोट ब्रिंग्स इन 7 trip. 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 × 0 = 0, 7 × 0 = 0, 7 × 0 = 0 एंड 7 × 6 इज 42. मतलब 42000 kg फिशेज आती हैं 7 trip में. कौन लाता है, मशीन बोट, ठीक है. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोटर बोट है वो 6 आवर में, मतलब 6 घंटे में कितने दूर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर बोट की जो स्पीड है वो दी गई है कि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, सो स्पीड ऑफ मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर वो कवर करती है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बोट इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना जाती है वो 20 किलोमीटर जाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटे का बताओ, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बोट इन 6 आवर, तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, स्पीड में। स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर, 20 × 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर, मतलब वो 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है 120 किलोमीटर। अब हम आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे इस टॉपिक के। इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉन्ग टेल बोट है वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो उसके लिए वो कितना टाइम लेगी। ठीक है, टाइम निकालना है हमको, तो टाइम के लिए आवर लगेगा। आप यूनिट में कंफ्यूज मत होना, अगर वो स्पीड पूछ रहा है या डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस में किलोमीटर, तो यहाँ पे यूनिट लगेगी किलोमीटर। अब यहाँ पे वो टाइम पूछ रहा है तो टाइम आवर में या मिनट में होता है, तो यूनिट भी आवर में होगी या मिनट में होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट, जो लॉन्ग टेल बोट की स्पीड क्या है। अभी हमने टेबल में देखा था कि वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर कवर करती है, सो 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉन्ग टेल बोट इन 1 आवर, 1 आवर में 12 किलोमीटर कवर करती है। सो नाउ डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय लॉन्ग टेल बोट, लॉन्ग टेल बोट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 60 किलोमीटर, तो अब इसका टाइम पूछा है तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगी, अलग अलग लिखूँगी तोड़ के। तो मैंने तोड़ के इसको लिखा है 12 किलोमीटर प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 5 टाइम्स लिखा है कि अगर मैं 12 को ऐड करती हूँ 1 2 3 4 5, 5 बार में अगर 12 को ऐड करती हूँ तो 60 ही आएगा, इसलिए मैंने उसको इस वे में लिखा है। अब 12 किलोमीटर कितना टाइम लगता है 1 आवर, इधर भी 1 आवर, इधर भी 1 1 एंड 1, और 1 2 3 4 5, मतलब 5 आवर्स। इसका मतलब है दस टाइम टेकन बाय लॉन्ग टेल बोट टू कवर 60 किलोमीटर इज 5 आवर, मतलब कि जो लॉन्ग टेल बोट है वो 5 घंटे लेगी कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए 60 किलोमीटर के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो चिल्ड्रन, ये हमारा पेज नंबर 10 है, सम बिग बिग नंबर्स, कुछ बड़े नंबर्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। इन द क्लास 4th मैथ मैजिक यू हियर्ड ऑफ द नंबर लैक, जो क्लास 4th में आपने है ना एक नंबर सुना होगा वो है लैक, विच इज इक्वल टू 100,000, जो कि वो 100,000 के इक्वल है। यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 लैक ब्रिक्स किल्न्स इन आवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड। इसमें पूछा गया है कि हमारे कंट्री में लाखों की गिनती में ब्रिक्स यानी ईंटें होती हैं, तो वो कहाँ पे होती हैं या कहाँ बनती हैं, ये सब पूछा गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट अदर थिंग्स यू हैव हियर्ड ऑफ इन लैक्स, इसमें पूछा है कि और क्या क्या चीज़ें आपने सुनी हैं लैक के बारे में, लैक से रिलेटेड। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रक आंसर है, यहाँ पे देखो व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हियर्ड इन लैक्स, सो कॉस्ट ऑफ ट्रक, कॉस्ट ऑफ बस एंड पॉपुलेशन इन टाउन्स, मतलब कि जो ट्रक की जो कॉस्ट होती है वो समथिंग लैक में होती है, जो बस की जो कॉस्ट होती है यानी कीमत होती है वो लैक में होती है, और जो गांव की पॉपुलेशन होती है वो भी कितनी लैक्स में होती है, 4 लैक 5 लैक कुछ भी। सो क्वेश्चन ने पूछा था लैक के बारे में क्या क्या सुना है, तो ये हमने सुना है तो वो हमने लिख दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, राइट द नंबर 1000, हमको एक नंबर लिखना है 1000, तो लिखा हमने 1000 इज इक्वल डिजिट में लिख दिया 1000, राइट 100,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 100,000 लिखना है, तो मैंने यहाँ लिखा 100,000 और यहाँ लिखा 100 और 1000, 100 में 20 लगते हैं, सो 100 और 1000 में मैंने 30 लगा दिया। ठीक है, सो हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन द नंबर ऑफ 1 लैक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैक में कितने जीरो होते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लैक इज इक्वल 5, क्योंकि 1 लैक में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है देयर आर अबाउट 2 लैक बोट्स इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में समथिंग कितनी बोट्स हैं, 2 लैक, 2 लाख, हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर, जो 2 लाख में से जो आधी बोट्स हैं वो बिना मोटर की हैं। ठीक है, और मतलब आधी जो है मोटर वाली है, सो अगर 2 लाख बोट हैं तो 2 लाख का आधा क्या होगा, 1 लाख होगा,
सो वन लेग बोट जो है वो मोटर वाली है और जो वन लेग बोट है वो बिना मोटर वाली है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विथ अ मोटर? तो हमने निकाल लिया है कि मोटर वाली कितनी बोट्स होंगी, तो वन लेग होंगी। टोटल नंबर ऑफ बोट्स इन आवर कंट्री 2 लाख, ठीक है। हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर, देन द नंबर ऑफ बोट्स विथ अ मोटर। तो बताओ कि जो मोटर वाली बोट है वो कितनी होगी। तो हम 2 लाख को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमें हाफ करना है, मतलब आधा करना है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया सो 2 वन 2, देन 0 0 0 0 0, मतलब 1 लाख, ठीक है। सो 1 लाख मोटर्स बोट हैं अब अपनी कंट्री में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ अ मोटर आर बिग मशीन बोट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोटर बोट है उसमें से एक चौथाई, मतलब 1/4 बोट्स जो हैं वो मशीन वाली बोट है। हाउ मैनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर? सो कितने हज़ारों में मशीन बोट होंगी? कम ऑन, ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चलो करो बिना लिखे, पर हम लिख के करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोटर बोट्स, मोटर बोट्स कितनी है? 1 लाख है। नंबर ऑफ बिग बोट, बिग मशीन बोट्स आर 1/4 ऑफ द मोटर बोट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिग मशीन बोट है वो, नंबर ऑफ बिग मशीन बोट आर 1/4 ऑफ द मोटर बोट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बिग मशीन बोट है वो मोटर बोट्स के एक चौथाई पार्ट है, 1/4 है। तो हम इसका 1/4 पार्ट निकालेंगे। सो 1/4 इंटू 1 लैख, क्योंकि 1 लैख का 1/4 पार्ट है, तो अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो 4 2 10, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। सम 1/4 इंटू 1 लैख, हम 1/4 पार्ट निकाल रहे हैं किसका, 1 लैख का, ठीक है। सो 4 का हम डिवाइड करेंगे, 4 2 8, तो 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 कैरी लग जाएगी इधर पे, ये हो जाएगा 20, 4 5 20, फिर 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, तो क्या आया 25,000। ऊपर 1 है तो 25,000 का हम 1 में इंटू करेंगे, तो क्या आएगा 25,000, मतलब कि 1 लैख का 1/4 पार्ट क्या होगा, 25,000, मतलब कि नंबर ऑफ बिग मशीन बोट्स इज 25,000। जो बिग मशीन बोट है वो कितनी है, 25,000 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव यू हियर्ड ऑफ अ करोड़? आपने करोड़ कहाँ सुना है? व्हाट वॉज द नंबर यूज फॉर? और करोड़ के लिए कौन सा नंबर यूज होता है? सो करोड़ के लिए 1 करोड़ ही यूज होता है। आई हियर्ड ऑफ अ करोड़ इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। जो अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो करोड़ में आती है। सो यहाँ पे हमने लिखा भी है 1 करोड़, ये नंबर्स में लिखा है 1 0 0 0 0 0 0 0, 7 जीरोज हैं, आप कंफ्यूज मत होना। सो देयर आर 7 जीरोज इन करोड़। अब हम करेंगे पेज नंबर 11। सो अब हम करेंगे पेज नंबर 11। द फिश मार्केट, मछलियों का बाजार। हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? इफ़ यू हैव देन यू माइट नो वाई आ वेरी नॉइजी प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट। क्या आप कभी फिश मार्केट गए हो? और अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे इतना, मतलब आवाज़ क्यों होती है या इतना हल्ला क्यों होता है। हल्ला न्यू वर्ड है ना। सो उसी को हम क्या कहते हैं, फिश मार्केट कहते हैं। द फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे, मतलब जो फिश मार्केट जो होता है वहाँ पे बहुत ही लोग बिजी रहते हैं या बहुत भीड़ रहती है। मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच, द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस टू द बायर। जो कई बोट्स हैं वहाँ, कई बोट जो हैं वो अच्छी अच्छी मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। जो फिशर वुमेन, मतलब कि जो औरतें होती हैं जो मछलियाँ बेचती हैं या पकड़ती हैं, शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस टू द बायर्स, मतलब वो क्या करती हैं, अपने प्राइजेस चिल्लाती हैं जो भी रहता है। अगर हम सब वेजिटेबल मार्केट जाते हैं तो वेजिटेबल की, अरे गोभी इतने की इतने की, इस टाइप से वो भी अपने फिशेज के प्राइजेस बताती हैं। सो मिनी है, मिनी कहती है कम ईयर टेक सार्डेंस एट रुपीज़ 40 kg। जो मिनी है वो सबको, लोगों को बुलाती है कि आओ, एक मछली का नाम है सार्डिन्स, वो 1 किलो मछली बेचती है कितने में, 40 रुपीज़ में, ठीक है। फिर एक ग्रेसी है, ग्रेसी है नेवर सो चीप गेट स्वाड फिश रुपीज़ 60 kg। जो ग्रेसी है वो कौन सी फिश बेचती है, स्वाड फिश, कितने, 60 रुपीज़ में, कितने kg, 1 kg। फिर एक फ्लोरमा, फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर रुपीज़ 150 kg। जो फ्लोरमा है वो क्या बेचती है, प्रॉन्स, ये भी एक मछली का नाम है, वो 150 रुपये में 1 kg मछली वो बेचती है, ठीक है। फिर एक कारू थम्मा, कारू थम्मा सेल्स
स्क्वीड फॉर रुपीज 50 kg। जो कारू तम्मा है वो स्क्वीड फिश बेचती है कितने में, 50 rupees में 1 kg। लुक फैजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग बिग फिश किंग फिश। यहाँ पे देखो इस ड्राइंग में ये जो है बहुत बड़ी मछली पकड़े, इसका नाम क्या है, फैजिला। शी सेज लुक फैजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश। जो फैजिला है वो बहुत मुश्किल से एक मछली पकड़ी है, कौन सी, किंग फिश। इस मछली का नाम क्या है, किंग फिश। शी सेज वो कहती है दिस फिश वेट 8 kg। इस ये जो मछली है उसका वजन कितना है, 8 kg है। आई विल सेल द होल फॉर रुपीज 1200। वो कह रही है कि ये जो मछली है वो कितने रुपए में बेचेगी, 1200 rupees में। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंग फिश। क्वेश्चन कह रहा है जो फैजिला ने अभी कहा था कि उसकी जो फिश का जो वेट है वो 8 kg है और वो पूरी मछली को 1200 rupees में बेचेगी, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो 1 kg फिश कितने रुपीस में बेचेगी। अब एक चीज़ है बेटा, जब आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हो और एक के बारे में पूछा है, अगर एक के बारे में पूछा है तो आपको डिवाइड करना रहेगा, और एक चीज़ दी गई हो एक से ज़्यादा के बारे में पूछा हो तो आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे उसने पर केजी मतलब एक के बारे में पूछा है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। एट वॉट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंग फिश। किंग फिश वो कितने कितने रुपए में बेचेगी, 1 kg सॉल्व। द वेट ऑफ किंग फिश इज 8 kg। जो वेट है किंग फिश का कितना है, 8 kg, एंड इट्स प्राइस इज 1200। उसकी जो कीमत है वो 1200 rupees है। सो द प्राइस ऑफ किंग फिश फॉर 1 kg, तो 1 kg के लिए उसका प्राइस कितना होगा, तो हम डिवाइड करेंगे 1200 को 8 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 150 rupees। मतलब कि वो एक 1 kg फिश बेचेगी कितने में, 150 rupees में, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। फ्लोरमा ने आज कितनी मछलियाँ बेची, मछलियों का नाम है प्रॉन्स, 10 kg। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर डेट। उसने 10 kg जब उसने मछलियाँ बेची तो उसे कितना पैसा मिला। सो प्राइस ऑफ 1 kg प्रॉन्स, 1 kg प्रॉन्स की कीमत कितनी है, 150, हमने पहले ही पढ़ा था। तो अब 10 kg प्रॉन्स की कीमत क्या होगी, सो प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स, मैंने अभी बताया था कि अगर एक से ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो इंटू करते हैं, हमें 10 की निकालना है तो हम इंटू कर रहे हैं, तो 150 में मैंने 10 का इंटू किया, हमारा आंसर आया 1500। मतलब उसने कितने पैसे कमाए, उससे 1500 rupees कमाए, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वार्ड फिश। ग्रेसी ने 6 kg स्वार्ड फिश बेची। मिनी हैज़ अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी। मिनी ने उतने ही पैसे कमाए जितने ग्रेसी ने कमाए, तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे कि ग्रेसी ने कितने पैसे कमाए 6 kg फिश बेच के। हाउ मैनी kg ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि बताओ कि मिनी ने सार्डिन्स फिश कितने kg बेची। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ग्रेसी ने कितना पैसा कमाया 6 kg स्वार्ड फिश बेच के। प्राइस ऑफ 1 kg स्वार्ड फिश 60 rupees। 1 kg स्वार्ड फिश की कीमत कितनी है, 60 rupees, तो 6 kg की कितनी होगी। सो ग्रेसी अर्नड ऑन सेलिंग 6 kg स्वार्ड फिश। उसने जब 6 kg मछलियाँ बेची तो उसने कितने कमाए, सो 60 × 6। हम 6 का निकाल रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा का निकाल रहे हैं तो इंटू करेंगे, सो 60 × 6 क्या हो जाएगा, 360। मतलब ग्रेसी ने कितने पैसे कमाए, 360 rupees कमाए, क्या बेच के, 6 kg स्वार्ड फिश बेच के। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जितने पैसे ग्रेसी ने कमाए हैं उतने ही मिनी ने कमाए हैं, मतलब मिनी ने कितने पैसे कमाए हैं, 360। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने कितने किलोग्राम मछलियाँ बेची। सो नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg सार्डिन्स, मतलब जो सार्डिन्स फिश है 1 kg उसकी कीमत कितनी है, 40 rupees है, तो उसने कितने kg बेची। वेट ऑफ सार्डिन्स सोल्ड बाय मिनी टू अर्न सेम एज ग्रेसी। ग्रेसी ने उतने ही सॉरी मिनी ने उतने ही पैसे कमाए जितने ग्रेसी ने कमाए, कितने, 360, और 1 kg फिश की कीमत है 40, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 kg। मतलब कि मिनी ने कितने kg फिश बेची, 9 kg। सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस देखेंगे।